डेट दिया हुआ है, एक्स का दिल्ली में एक मकान है जो गत वर्ष 1920 में, 2019-20 में 3/4 भाग में स्वयं रहता है, 1/4 भाग को किराए पे दिया, 700 रुपये, ठीक है। 1 जून 2020 में यह भाग भी स्वयं रहने के काम आता है, मतलब जो 1/4 2019 को, पिछले साल 1920 में, ठीक है, या मैं ऐसा लिख के शो करता हूँ, 1/4 2019, ठीक है, 2019 से एक साल बाद आता है 31 मार्च 2020, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 9 महीने तक हम लोग किराए पे दिए थे, 1/4 भाग को रेंट में दिए थे, ठीक है। वो फिर उसके बाद 1 जनवरी से क्या हुआ, 1 जनवरी 2020 से वो सेल्फ रहने के काम आ गया, 1/4 पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक रेंट में है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 9 महीने, 9 मंथ और ये 3 मंथ, ठीक है। बाकी जो 3/4 भाग है वो खुद रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहले 3/4 भाग बना लेते हैं, फर्स्ट पोर्शन, ठीक है, मकान एक ही है उसका, ठीक है, क्या निकालने बोला हमको, मकान संबंधित कर रहा है ना, तो फर्स्ट पोर्शन मतलब 3/4 पोर्शन लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3/4, 3/4 पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये कम्प्लीटली है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसका क्या आता है, ग्रॉस एन वैल्यू नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्रॉस एन वैल्यू हमारा नील, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं लेस, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 1/4 2016 को 10% के हिसाब से 1 लाख का लोन लिए और मकान बन के तैयार हो गया 31 मार्च 2017 को, जिस साल लोन लिए हैं 2016-17 में, उसी साल 2016-17 मकान बन के तैयार हो गया, ठीक है। 1/4 2016 मतलब 2016-17, और 31 मार्च को मकान बन के तैयार हो गया मतलब ये भी 2016-17, मतलब जिस साल लोन लिया उसी साल हमारा मकान बनकर तैयार हुआ, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट करेंट ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आप लोन लिए हो 1 लाख का, इसका 10% 10,000 रुपये, ठीक है। 1 लाख का लोन है, इसका 10% 10,000 रुपीज़, 3/4 मिलेगा क्योंकि हम भी 3/4 में रहते हैं, ठीक है, आ जाएगा 7,500 रुपये माइनस के 7,500 बाहर, क्लियर इतना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, 1/4 पोर्शन, ठीक है, 9 मंथ लेट आउट, 3 मंथ एंड 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो इसका हमारा क्या क्या चीजें दिया, 700 रुपये किराए पे दिया, 9 महीने के लिए, नगर पालिका मूल्य 20,000 है, उचित किराया 24,000 है, स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे स्मॉल ए, म्यूनसिपल वैल्यू, ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन 20,000 का 1/4, 5,000 आ जाएगा हमारा, 1/4 पोर्शन का बना रहे हम लोग 5,000, वैसे फेयर रेंट है 24,000, इसका 1/4 6,000 रुपीस, 1/4 6,000 रुपीस, ठीक है। बी पॉइंट फेयर रेंट है ना, फिर उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं, तो ए और बी दोनों में से जो ज़्यादा हो 6,000, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट ए और बी विच एवर इज मोर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एक्चुअल रेंट, 9 महीने का किराया मिला हुआ है, लेट आउट है ना, एक्चुअल रेंट, ठीक है, 700 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9 महीने का 6,300 रुपये, 9,763। अभी दोनों में जो ज़्यादा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। मैंने लगातार लाइन से लिख दिया, आप लोग उसको गैप कर ले सकते हैं, 1 और 2, विच एवर इज मोर, ठीक, फिर लेस,
म्यूनसिपल टैक्स पेड, म्यूनसिपल टैक्स पेड, ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स पेड किए हैं कितना, पूरे मकान का 6000 है, इसका 1/4 1500 आ जाएगा, 6000 का 1/4 1500, आप इसको माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 4800, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एनुअल वैल्यू, ठीक है, लैश डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो पहला पॉइंट हमारा इसमें ए पॉइंट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है, 4800 का 30% आप निकालोगे 1440 रुपये, 1440, बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 1,00,000, ठीक है, वही 1,00,000 का 10% और 1/4 करेंगे तो 2,500 रुपये, ठीक है, 2,500 ये हो जाएगा हमारा 3,940 रुपये, माइनस कर दो उसको, कितना है 860, 4,800 माइनस 3,940, 860 रुपये, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 860 रुपये प्लस में, ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें तो नहीं दिया हुआ है, नहीं है, चलो प्लस माइनस करते हैं, 7,500 माइनस में 860 प्लस में है, 7,500 माइनस 860 जाएगा 6,640 रुपये का लॉस, 6,640 रुपये का आपका आ गया लॉस, ठीक है, ये आ गया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट।